अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मंजर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज एक नया बिजनेस आइडिया लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिजनेस तो पुराना है लेकिन मेरे चैनल पे ये वीडियो नया है, ठीक है। तो हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, और 5-10 हज़ार रुपये से आसानी के साथ स्टार्ट ले सकते हैं। उसको बढ़ाना चाहें तो जितना मर्जी बढ़ा लें, लेकिन कम अज़ कम की बात करूँ तो 5-10 हज़ार रुपये से आप आसानी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और उसमें अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट रेशो भी आप अच्छा खासा ले सकते हैं। ये बिज़नेस दो तरह से हो रहा है, एक थोड़े मुनाफे के साथ अच्छी प्रोडक्ट के साथ, एक ज़्यादा मुनाफे के साथ लोकल प्रोडक्ट के साथ। दोनों चीज़ें आपके सामने रख दूँगा, जो आपका दिल करे वो करिएगा। तो वीडियो को बढ़ाने से पहले, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करते हैं तो थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर अभी चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे वगैरह 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 के बिजनेस के बारे में। अच्छा, ये दो तरह का परफ्यूम पाकिस्तान में आता है जो कि आप मार्केट में सेल करते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक होता है जो इम्पोर्ट होकर आता है बिरूने ममालिक से, ठीक है, इम्पोर्टेड होता है और वो लार्ड्स में आता है, तो वो आपको मिल सकता है। डिफरेंट मार्केट्स हैं, उसके मार्केट्स में सबसे पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरी चीज़ की तरफ। ये आपको कराची में जहाँ पे लार्ड्स मिलती हैं शेरशाह साइड पे, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। लाहौर में आपको अनारकली वाली साइड से मिल जाएंगी, ठीक है, अनारकली से मिल जाएंगे ये इम्पोर्ट किए हुए जो परफ्यूम आते हैं। और शालम मार्केट्स भी मिल जाएंगे। फैसलाबाद की बात करें तो जंग बाज़ार वाली साइड पे कुछ ऐसे शॉप्स मैंने देखी हैं, लोग जो कि इंपोर्ट करते हैं लार्ड्स के लार्ड्स, उसमें परफ्यूम्स भी वगैरह भी होते हैं इस तरह से। और मुल्तान वगैरह में भी आपको परफ्यूम्स जो इंपोर्टेड होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब वो क्या होता है, लार्ड्स की लार्ड्स आती है और आपको लार्ड्स से देते हैं। लार्ड्स ना, अगर आप लार्ड्स नहीं लेना चाहते तो आपको खुले भी मिल जाते हैं, उसमें भी बॉक्स की पैकिंग मिलेगी आपको कि कम से कम आपको 50 खरीदना पड़ेगा या 100 खरीदना पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है, और डिफरेंट रेट्स के साथ चीज़ें आती हैं। अच्छे परफ्यूम्स होते हैं, इंपोर्टेड होते हैं, हल्के भी होते हैं, लोकल भी, लोकल मतलब के लो क्वालिटी के होंगे तो इम्पोर्टेड ही, ठीक है। कोई आपको 100 रुपये का मिल जाएगा, कोई 75 रुपये का मिल जाएगा, कोई 60 रुपये का मिल जाएगा, और इस तरह से उनके रेट्स होंगे। और मार्केट में वही परफ्यूम 400-500 रुपये 600 रुपये का भी सेल हो रहा है। अब आप इसको किस तरह से सेल कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप इसको अपनी दुकान पर रख के सेल कर सकते हैं। दुकान पर रख के अगर सिर्फ परफ्यूम रखेंगे तो शायद इतनी मार्केट ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में लोग हैंड टू माउथ हैं, उनके दिन चला कोई बात नहीं, परफ्यूम नहीं भी लगाया तो गुजारा हो ही रहा है ना। तो कुछ लोग लेते हैं परफ्यूम, हर बंदा नहीं लेता, तो आप सिर्फ परफ्यूम्स या खुशबू की दुकान पर टाके बैठेंगे तो पाकिस्तान में तो ये कारोबार इतना बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, सिर्फ परफ्यूम्स की दुकान। हाँ, अगर आप उसके साथ कॉस्मेटिक्स वगैरह रख लेते हैं तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आप साथ में परफ्यूम रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वहाँ से खरीदें और दुकानदार तक पहुँचाएँ, मतलब कि होल सेल में सेल करें, दुकानों वालों को सप्लाई दें, ठीक है, उसमें अपना मुनासिब सा प्रॉफिट मार्जिन रखिए और उसको इकट्ठा करके सेल कर दिए। कोई दुकानदार 10 पीस ले रहा है, कोई 8 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, तो इस तरह से ये आप कारोबार कर सकते हैं इंपोर्टेड परफ्यूम्स का। ये दो तरीकेकार हैं जो आपको बेहतर लगे। ये है कि अपनी दुकान बनाएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा लेकिन कस्टमर कम होगा, लेकिन अगर आप होल सेल पर करते हैं तो कस्टमर ज़्यादा होगा, प्रॉफिट मार्जिन बेशक कम होगा, लेकिन जब ज़्यादा चीज़ सेल होगी तो वो चीज़ कवर हो जाएगी, और एक एक सेल करने के बजाय इस साइड पे मेरे ख्याल में आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। इसमें आपको दुकान भी नहीं लेनी पड़ेगी और काफ़ी झंझटों से आप बच जाएंगे, बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, दुकान पे बैठना नहीं पड़ेगा, सुबह जाएं मार्केट करें 2-4 घंटे जितना दिल आपका दिल करे, और उसके बाद घर आके बाकी के काम अपने जो हैं वो कर सकते हैं। अब उसके अलावा एक और चीज़ है कि लोकल परफ्यूम्स, लोकल बॉडी स्प्रे हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं, मतलब कि पैकिंग जो है वो असली वाली होती है, अंदर जो है ये खुद ही इधर परफ्यूम बना के उसमें फिल कर रहे हैं, फिल करने के बाद पैक करते हैं और सेल कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये हम मार्केट से ज़्यादातर जो परफ्यूम्स खरीदते हैं वो हमारे इधर लोकल फिल हुए होते हैं, ऊपर लिखा होता है मेड इन जर्मनी या फलां जो भी, तो वो एक तरह से धोखा है। अच्छा, अगर आप लोकल का काम करते हैं तो
तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको लोकल करके ही बेचिए, आप उसको सस्ते दामों सेल कीजिए, ठीक है। दूसरा 400 का और है तो लाजमी बात है वो आपको बेशक वो 70 रुपये का आया है लेकिन उसका मार्केट रेट 400 रुपये है, तो वो आप 400 में सेल करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो लोकल है वो बेशक आपको 30 का पड़ा है, बेशक 50 का पड़ा है, उसको आप 400 में हरगिज मत सेल कीजिएगा क्योंकि वो कॉपी है, वो जेन्युइन नहीं है। तो आप कस्टमर को बता के सेल करें कि ये जेन्युइन है, ये वाला ओरिजिनल है, ये 400 का है, ये पाकिस्तान लोकल फील हुआ हुआ है, खुशबू सेम है, लेकिन उसमें ये होता है कि जो टाइम होता है ना उसका फ्रेगरेंस का वो कम होता है, जो लोकल होते हैं वो बस जल्दी ख़त्म हो जाते हैं थोड़ी देर रहने के बाद, और जो इम्पोर्टेड होते हैं वो ता देर रहते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि कपड़े धोने के बाद भी लग रहे थे। खैर मैं परफ्यूम की मार्केटिंग नहीं कर रहा कि मैं आपको कहूँ कि ये परफ्यूम ले लें ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जनरल सी, ठीक है। अच्छा तो आप कस्टमर को बता दीजिए कि ये इम्पोर्टेड चीज़ है, ओरिजिनल है, ब्रांड की है, और ये उसकी कॉपी है, ये आपको 400 में मिलेगा, ये आपको 150, 200, 300 जितने में भी आप दे रहे हैं इतने में मिलेगा। अब कस्टमर की मर्जी है कि वो ओरिजिनल खरीदना चाहता है या 150 बचाने के लिए जो है कॉपी खरीदना चाहता है या लोकल मेड खरीदना चाहता है। इसमें आपका आप गुनहगार नहीं होंगे कि आप ओरिजिनल की जगह कॉपी बेच रहे हैं ओरिजिनल रेट में, कस्टमर को बता के बेचें तो ठीक है काम। इसकी मार्केट्स भी वही है, ज़्यादातर ये आपको लाहौर शाह आलम मार्केट से मिल जाएगा, अनारकली से मिल जाएगा, या वहाँ पे बेशुमार लोग फिलिंग कर रहे हैं और ब्रांड्स के वो जो होते हैं बोतलें वगैरह और जो बॉक्स होता है ये सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपना ये काम शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हर किसी मत भूलिएगा, और लाइक कर दीजिएगा। तो आप याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।